वेलकम टू सोशल। प्रीति गांधी ने स्कैम 1992 से आज इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में रिकग्निशन पा ली है। उन्होंने हर्षद मेहता का रोल इतनी परफेक्शन से प्ले किया है जिसे लोग हमेशा याद रखने वाले हैं, और कहना गलत नहीं होगा दैट ही माइट बी द नेक्स्ट बिग स्टार ऑफ इंडिया। प्रतीक को इंडस्ट्री में आए 15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर अब जाकर उन्हें रिकग्निशन मिली है। इस वीडियो में हम आपको प्रतीक गांधी की लाइफ से जुड़े 20 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो हमेशा गलत बात का विरोध करना चाहिए, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। ये मसाला मुझे कस्तूर से ही मिला। नंबर वन, प्रतीक गांधी का बर्थ सूरत में हुआ है और अपनी स्कूलिंग भी उन्होंने वहीं से की है। प्रतीक के पेरेंट्स टीचिंग के प्रोफेशन में रहे हैं और बचपन में प्रतीक एक डॉक्टर बनना चाहते थे। 12th स्टैंडर्ड में कम मार्क्स आने की वजह से प्रतीक का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने फिर इंजीनियरिंग पढ़ने का मन बना लिया। नंबर टू, अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद प्रतीक ने 2 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया था और उन्हें लगा कि इसके बाद वो आराम से इंजीनियर बन जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। प्रतीक को इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने उस वक्त एक सेल्समैन के तौर पर काम करना शुरू किया। प्रतीक उन दिनों एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट्स बेचा करते थे और पूरा पूरा दिन वो कॉर्पोरेट ऑफिसेज में अपने प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन दिया करते थे। अपनी जॉब के पहले ही दिन उन्हें एक साइंस फर्म में जाकर अपने प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन देनी थी और वहां एक एम्प्लॉई ने उन्हें इंसल्ट कर दिया। हुआ यूं कि प्रेजेंटेशन के दौरान उनके क्लाइंट ने उन्हें बीच में रोक दिया और कहा, आई डोंट थिंक यू आर प्रिपेयर्ड, जो तुम बोल रहे हो उसमें कोई सेंस नहीं है। आफ्टर माई थर्ड फोर्थ सेंटेंस ही सेड दैट आई डोंट थिंक यू आर प्रिपेयर्ड एंड देन ही गेव मी हिज कार्ड। ही सेड आई एम पीएचडी इन फिजिक्स, व्हाट यू आर सेइंग डजंट मेक सेंस टू मी। नंबर थ्री, प्रतीक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें बस एक जूनियर सेल्समैन के तौर पर रखा गया था, और जब भी वो फील्ड पर अपने प्रोडक्ट सेल करने जाते थे तो क्लाइंट्स हमेशा उनके सामने अपनी एजुकेशन का शो ऑफ करते थे। इसलिए 11 महीने तक एक सेल्समैन की जॉब करने के बाद प्रतीक ने डिसाइड किया कि अब वो भी इंजीनियरिंग में डिग्री परसू करेंगे। पर उसमें भी एक प्रॉब्लम थी, प्रतीक को जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था उसके लिए उनका रैंक कम था और प्राइवेट कॉलेजेस उस वक्त बहुत डोनेशन लिया करते थे। इसलिए प्रतीक ने डायरेक्टली कॉलेज में फोन किया और उन्हें अपनी सिचुएशन बताई। उस फोन कॉल के बाद उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाया गया जहां प्रतीक के कॉन्फिडेंस और उनके पढ़ाई करने की चाह को देखते हुए उन्हें कॉलेज में विदाउट डोनेशन एडमिशन दे दिया गया। नंबर फोर, प्रतीक बचपन से थिएटर के लिए पैशनेट थे, पर बीच में उनका थिएटर छूट गया था। अपनी ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने दोबारा थिएटर ज्वाइन किया और वहीं से उन्हें लगा कि वो आगे प्रोफेशनली एक्टिंग भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद प्रतीक ने डिसाइड किया कि वो इंजीनियरिंग और थिएटर साथ में करेंगे, जिसके लिए वो मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई में आने के बाद उन्हें एज एन इंजीनियर जॉब तो नहीं मिली, पर उन्हें पृथ्वी थिएटर के एक ग्रुप में सिलेक्ट कर लिया गया था, जो किसी भी थिएटर आर्टिस्ट के लिए एक बड़ी बात होती है। हालांकि उन्हें थिएटर से कोई पैसे तो नहीं मिलते थे और बिना जॉब के मुंबई में सरवाइव करना प्रतीक के लिए मुश्किल हो गया था, इसलिए उन दिनों वो एक मॉल के बाहर कॉकरोच मारने का स्प्रे बेचा करते थे। I have done lot of different things, lots and lots of different things. So outside a mall, I used to sell cockroach pastes also. Okay. Cockroach repellent kind of a paste for that extra money that I wanted. नंबर फाइव, लगभग एक साल तक स्ट्रगल करने के बाद प्रतीक की रिलायंस में एज एन इंजीनियर जॉब लग गई थी। ये बात 2008 की है और उस वक्त उन्हें 8 लाख पर ईयर का पैकेज दिया गया था, जो कि एक काफी अच्छा अमाउंट था। थोड़े टाइम बाद प्रतीक ने फैमिली को भी मुंबई बुला लिया और वो अकेले ही पूरी फैमिली के एक्सपेंसेस मैनेज किया करते थे। प्रतीक उस वक्त रेंट पर एक 1 रूम फ्लैट में अपने पेरेंट्स, वाइफ और छोटे भाई के साथ रहा करते थे। प्रतीक की सैलरी से पूरे फैमिली के एक्सपेंसेस चलते थे और सेविंग के नाम पे उनके पास कुछ नहीं बचता था। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि मुंबई में घर लेना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए प्रतीक काफी सालों तक उस 1 रूम के घर में ही रहे थे। प्रतीक ने उन दिनों को याद करते हुए कहा कि हमारा घर छोटा था, पर वहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी, जो बोझ था वो सिर्फ ख्वाहिशों का था। नंबर सिक्स, प्रतीक ने कई सालों तक थिएटर किया और साइमल्टेनियसली वो मूवीज के लिए भी ऑडिशन दिया करते थे, जहां उनके लुक्स को देखकर कास्टिंग डायरेक्टर्स उन्हें मना कर दिया करते थे। प्रतीक ने एक इंटरव्यू में बताया कि कास्टिंग डायरेक्टर्स हमेशा मुझे कहते थे कि तुम्हारे लुक्स में वो बात नहीं है जिसे तुम एक हीरो के तौर पे कास्ट किए जा सको। ना तुम पॉश दिखते हो और ना तुम अमीर दिखते हो, तुम एक हीरो मटेरियल बिल्कुल भी नहीं हो। ऐसी रिजेक्शंस प्रतीक को बार बार मिलती थी और आप सब भी समझ सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त ज्यादातर स्टार किड्स या फेमस मॉडल्स को एक्टर्स के तौर पर लॉन्च किया जाता था, तो प्रतीक जैसे नेचुरल लुकिंग एक्टर के लिए इंडस्ट्री में आना एक मुश्किल बात थी।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी ऐसी सिमिलर बातें अपने इंटरव्यूज में बताई हैं, जहां उनके लुक्स को देखकर ही उन्हें ऑडिशन से रिजेक्ट कर दिया जाता था। स्कैम 1992 की सक्सेस से सबसे अच्छी बात हुई है कि प्रतीक को एक लीड एक्टर के तौर पर ही देखा जा रहा है और शो में वो एक रिच पर्सनैलिटी का कैरेक्टर प्ले करते हैं। सो आयरॉनिकली जो भी रीजन उस कास्टिंग डायरेक्टर ने प्रतीक के लुक्स को देखकर कहे थे वो आज सब गलत प्रूव हो चुके हैं। प्रतीक अपने रोल्स में गुड लुकिंग दिखते हैं एंड एट द सेम टाइम ही लुक्स क्वाइट पॉश एज वेल। नंबर 7, बॉलीवुड में कई बार रिजेक्शन मिलने के बाद भी प्रतीक थिएटर से जुड़े रहे थे और मुंबई के पृथ्वी थिएटर में वो काफी पॉपुलर थे। ऐसे ही एक थिएटर प्ले देखने के बाद उन्हें गुजराती फिल्म बे यार ऑफर की गई, जो उनके करियर की पहली फीचर फिल्म थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही थी, जहां फिल्म ने अपने बजट से 4 times ज्यादा अमाउंट की कलेक्शन की थी। फिल्म की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है, जहां हम दो फ्रेंड्स की कहानी देखते हैं जो जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं, पर उसी दौरान वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर आप गुजराती लैंग्वेज समझते हैं तो आप फिल्म को यूट्यूब पर देख सकते हैं, और अगर आपको सबटाइटल्स चाहिए तो ये फिल्म आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तुम कर सुने यार काका, आप तो बहुत नॉर्मल थे यूं जात आ लोगन जो ने हम पैसा नहीं जरूर એટલે हम सोनू गिरवी मुकिन पैसा छूटा करी लो। पाजी मजा नहीं बात है कि आपरी पास तो सोनू ज नहीं। डिंग 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 डांग डांग। नंबर 8, बे यार की शूटिंग के वक्त भी प्रतीक एक इंजीनियर के तौर पर जॉब कर रहे थे, जहां फिल्म के लिए उन्होंने अपने सीनियर से रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें 1 महीने के लिए घर से काम करने दिया जाए। प्रतीक अपना ऑफिस वर्क फोन कॉल्स और ईमेल्स के थ्रू ही हैंडल किया करते थे और शूटिंग के बीच कुछ मीटिंग्स भी अटेंड कर लेते थे। प्रतीक अपने आप को एक मल्टीटास्कर मानते हैं और उनकी फिल्म की वजह से उनके ऑफिशियल वर्क पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा। नंबर 9, बे यार की सक्सेस के बाद प्रतीक को रॉन्ग साइड राजू नाम की गुजराती फिल्म में कास्ट किया गया, जहां वो लीड एक्टर के तौर पर नजर आते हैं। ये एक थ्रिलर फिल्म थी जिसके प्रोड्यूसर में अनुराग कश्यप का नाम भी शामिल है। इस फिल्म को बेस्ट गुजराती फिल्म का नेशनल अवार्ड भी दिया गया था और फिल्म की सक्सेस को देख के प्रतीक को लीड रोल्स ऑफर किए जाने लगे थे। इन सभी चीजों को देखते हुए प्रतीक ने अपनी जॉब को क्विट करने का डिसीजन लिया और वो फुल टाइम एज एन एक्टर काम करने लगे। नंबर 10, आप सब जानते हैं कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की वजह से स्टार किड्स को बहुत आसानी से फिल्म्स मिल जाती हैं और आउटसाइडर्स को एक छोटे से रोल के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आजकल स्टार किड्स भी अपने इंटरव्यूज में ये कहते नजर आते हैं कि उन्हें भी अपनी फिल्म्स के लिए ऑडिशन देने पड़े, जिसे वो एक बड़ी बात मानते हैं। प्रतीक ने भी इसको लेकर अपना ओपिनियन दिया और कहा कि उन्हें बहुत हैरानी होती है जब स्टार किड्स ऑडिशंस की बात करते हैं। ऑडिशन देना एक एक्टर के लिए नॉर्मल प्रोसेस है और स्टार किड्स इस चीज को ऐसे दिखाते हैं जैसे ऑडिशन देना उनके स्टेटस के अगेंस्ट है। प्रतीक ने तो एक इंटरव्यू में ओपनली कहा कि मुझे तो स्टार किड्स पे दया आती है कि उन्हें मेरी तरह ऑडिशंस देने का एक्सपीरियंस नहीं मिला, जो एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी चीज है। I really feel sad about them. Why? Because that they could never get that opportunity, those opportunities that we had to explore ourselves in all the possible formats. Fair. There are a lot of people who could never even go for an audition. So, yeah, experience hi nahi mila unko. Mujhe to daya aati hai unpe ke bichare yaar. Matlab tum reh gaye. Leave it to Prateek to make poverty and risk and bad luck sound like something good. Number 11. प्रतीक के फेवरेट एक्टर संजीव कुमार हैं, जिनकी एक्टिंग से प्रतीक काफी इंस्पायर्ड हैं। जिस तरह से संजीव कुमार अपनी फिल्म्स में एक्टिंग किया करते थे, उन्हें देख के प्रतीक ने बहुत से नुआंसेस सीखे हैं। प्रतीक का कहना है कि संजीव कुमार को देखकर मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था कि हमेशा लुक्स ही मैटर नहीं करते, एक्टर की एक्टिंग कैपेबिलिटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। नंबर 12, 2006 में प्रतीक ने अपने करियर की पहली फिल्म की थी, जिसका नाम योर्स इमोशनली था। ये एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी जिसकी स्टोरी लाइन गे कपल के अराउंड बेस्ड थी। प्रतीक उस वक्त काफी यंग थे और उन्हें जब बताया गया कि फिल्म में उनको एक बायसेक्सुअल का कैरेक्टर प्ले करना है तो वो थोड़ा घबरा गए। प्रतीक ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस कैरेक्टर को कैसे प्ले करना है, क्योंकि उन दिनों इस तरह का सिनेमा नहीं बनाया जाता था। फिल्म को कई इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में नॉमिनेट भी किया गया, पर इंडिया में फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। Can you come with me tonight? Right now? Forever? नंबर 13, प्रतीक की पहली बॉलीवुड फिल्म लव यात्री थी, जहां वो लीड एक्टर के दोस्त का कैरेक्टर प्ले करते हैं। फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम नेगेटिव होता है और उन्होंने वो कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया है। लव यात्री के बारे में ज्यादा क्रिटिकली ना ही बात की जाए तो अच्छा है, पर सबको स्कैम 1992 देखने के बाद रियलाइज हुआ कि फिल्म में प्रतीक गांधी को काफी कम इम्पोर्टेंस दी गई थी, जबकि वो फिल्म के लीड एक्टर से भी ज्यादा बेटर एक्टिंग कर रहे थे। इस नवरात्रि में ऐसा जादू है, किसी को जादू जैसा फील नहीं होता। नंबर 14,
लव यात्री के बाद प्रतीक को फिल्म मित्रों में देखा गया, जहां दोबारा उनका एक सपोर्टिंग रोल था। हालांकि इस फिल्म में उनका रोल लव यात्री से ज्यादा बड़ा था, पर अगर आप नोटिस करें तो दोनों ही फिल्म्स में सबसे ज्यादा टैलेंटेड एक्टर प्रतीक थे। बॉलीवुड में ज्यादातर एक आउटसाइडर को छोटे रोल्स में ही कास्ट किया जाता है और प्रतीक के साथ भी वही हुआ था। दोनों ही फिल्म्स देखने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि प्रतीक इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते थे, और अगर स्कैम 1992 आया नहीं होता तो शायद ही लोग बॉलीवुड में उनकी आज बात कर रहे होते। आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक बॉलीवुड में दूसरी इंडस्ट्री से आए एक्टर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता? नंबर 15, हंसल मेहता, जिन्होंने स्कैम 1992 को डायरेक्ट किया है, उन्होंने ही प्रतीक गांधी को शो में हर्षद मेहता के कैरेक्टर में कास्ट किया था। उन्होंने प्रतीक के कई प्लेस देखे थे और फिल्म रॉन्ग साइड राजू को देख के उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हर्षद मेहता के रोल में प्रतीक को ही कास्ट करेंगे। हंसल मेहता ने जब प्रतीक को कॉल किया और उनसे मिलने की बात कही तो प्रतीक बहुत नर्वस हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हंसल मेहता जैसा डायरेक्टर उन्हें अप्रोच करेगा। फिर जब दोनों की मुलाकात हुई तो हंसल मेहता ने स्कैम 1992 में उन्हें कास्ट करने की बात कही और प्रतीक ने उसी वक्त शो को करने के लिए हाँ कर दिया था। प्रतीक ने शो के लिए कई ऑडिशंस भी दिए थे, पर हंसल मेहता प्रतीक की कास्टिंग को लेकर इतना श्योर थे कि कभी उन्होंने वो ऑडिशन टेप्स देखे भी नहीं। इसलिए स्कैम 1992 की सक्सेस का क्रेडिट हंसल मेहता को भी उतना ही दिया जाना चाहिए जितना लोग आज प्रतीक गांधी को दे रहे हैं, क्योंकि अगर कोई और डायरेक्टर होता तो शायद ही वो एक रीजनल एक्टर को इतने बड़े रोल में कास्ट करने का सोचता। हंसल मेहता की फिल्म्स अपने आप में ही मेन स्ट्रीम सिनेमा से अलग रही हैं और अब इस वेब सीरीज से उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कई बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। सबको लगता था कि सिर्फ क्राइम रिलेटेड या एडल्ट शोज ही ओटीटी पे चल सकते हैं, पर स्कैम 1992 के बाद प्रूव हो चुका है दैट कंटेंट इज द किंग। नंबर 16, हर्षद मेहता के रोल को प्रिपेयर करने के लिए प्रतीक कई महीनों तक रिसर्च किया करते थे। हर्षद मेहता का बोलने का तरीका हो या फिर उनके पर्सनालिटी से जुड़े हुए जेस्चर्स, प्रतीक ने हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझ के इस रोल को प्रिपेयर किया था। प्रतीक को शो से पहले स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं थी और उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को भी बहुत अच्छे से समझा था। इसके अलावा पर्सनल लेवल पर भी वो उन लोगों से मिले जिन्होंने हर्षद मेहता के साथ काम किया था, और इन सभी तरीकों से उन्होंने हर्षद मेहता के कैरेक्टर को मास्टर कर लिया और शो देखते हुए आप उन्हें ही हर्षद मेहता समझने लग जाते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट प्रतीक के साथ रियल लाइफ में हुआ, जहां उन्हें फैंस ने कहा कि अगर कभी रियल और फिक्शनल हर्षद मेहता में से चूज करना पड़े तो वो प्रतीक को ही हर्षद मेहता के तौर पर चूज करेंगे। आप भी हमें अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको प्रतीक एज हर्षद मेहता कैसे लगे। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता धमाका करने के। नंबर 17, आपने कई बार देखा होगा कि एक्टर्स अपने रोल को प्ले करने के लिए वेट गेन करते हैं। ये प्रोसेस एक्टर्स तब करते हैं जब वो अपने करियर में काफी एस्टेब्लिश हो चुके होते हैं और उन्हें आइडिया होता है कि ऑडियंस इस रोल में उन्हें देख के बिल्कुल हैरान हो जाएगी। इस तरह प्रतीक ने भी हर्षद मेहता के कैरेक्टर के लिए 18 kg वेट पुट ऑन किया था, पर देखने वाली बात ये है कि उन्होंने ये डिसीजन तब लिया जब उन्हें ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे। किसी भी नए एक्टर के लिए ये रिस्की डिसीजन हो सकता है, पर जैसा कि शो में कहा गया है, रिस्क है तो रिस्क है, वैसा ही रिस्क प्रतीक ने अपने कैरेक्टर के लिए भी किया और आज उसका आउटकम आप सबके सामने है, जहां स्कैम 1992 को वर्ल्ड के टॉप रेटेड शोज में गिना जा रहा है। नंबर 18, हर्षद मेहता का कैरेक्टर प्ले करते हुए प्रतीक को रियलाइज हुआ कि उनकी और हर्षद मेहता की स्टोरी में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि हर्षद मेहता भी चौल में रहा करते थे, वैसे ही प्रतीक जब मुंबई आए थे तो वो भी छोटे से कमरे में रहा करते थे। ऐसे ही हर्षद की तरह प्रतीक भी अपने काम को लेकर पैशनेट थे और काफी फेलियर्स के बाद भी उन्हें यकीन था कि एक ना एक दिन उन्हें सक्सेस मिलकर रहेगी। इस वीडियो की रिसर्च के दौरान हमें बिल्कुल ऐसा ही लगा, जहां प्रतीक की बहुत सी लाइफ सिचुएशंस हर्षद मेहता की लाइफ से मिलती जुलती हैं। नंबर 19, बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रतीक का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। ये रिकॉर्ड उनके थिएटर परफॉर्मेंसेस से जुड़ा है, जहां एक दिन में उन्होंने 3 अलग लैंग्वेजेस में प्ले को परफॉर्म किया था। ये प्ले महात्मा गांधी पे बेस्ड था और इस प्ले को हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में परफॉर्म किया गया था, जो उससे पहले किसी भी आर्टिस्ट ने नहीं किया था। मैंने मिनिमलिस्टिक अप्रोच धारण कर लिया, पर ऐसी सादगी और ऐसा अप्रोच रोजमर्रा के कामों में बाकी विचारों की गरिमा कभी नहीं रखी। नंबर 20, इसमें कोई शक नहीं है कि आज हम सब प्रतीक की बात स्कैम 1992 की सक्सेस की वजह से ही कर रहे हैं, और अगर ये शो नहीं होता तो शायद ही उन्हें ऐसी रिकॉग्निशन मिलती। प्रतीक का भी मानना है कि स्कैम 1992 से उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई है, और उनका कहना है कि मुझे ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं मिली है, पर मैंने इस सक्सेस के लिए 15 साल तक हार्डवर्क किया है, जो शायद लोगों को पता भी नहीं है। हम भी आपको यही रेकमेंड करेंगे कि प्रतीक की अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स को आप जरूर देखें और आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी उन्हें सपोर्ट करें।
तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो. आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी. ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं. हेलो सोशल सब्सक्राइबर्स, आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रही दो वीडियोस को भी देख सकते हैं जो हमने काफी रिसर्च के बाद बनाई हैं. सो प्लीज गो वॉच इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सोशल.